हाँ दादी, पंखुड़ी के दादाजी का ऑपरेशन हो गया। नहीं, मैं उनसे मिला नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ओके, मैं कह दूँ या मैं बात करता हूँ आपसे। अब मुझे एक बात बता, तू तू मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुला है भाई? हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पंखुड़ी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? तो ये सब हो क्या रहा है? कुल्लू में तो तूने बड़ी भीषण भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं पंखुड़ी का हमेशा साथ दूंगा, उसका मैं अपमान नहीं सहन कर सकता हूँ। फिर ये सब क्या हो रहा है? देख, तेरी शादी को हमने बड़ी मुश्किल से स्वीकारा है, लेकिन यहाँ पर जो पंखुड़ी के साथ हो रहा है ना, वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, कतई नहीं। और ये तूने दोस्ती दोस्ती की रट क्या लगा रखी भाई? ये शादी में दोस्ती कहां से आ गई? और तुझे अगर खाली दोस्ती ही रखनी थी तो तूने फिर ये शादी का नाटक किया क्यों? हाँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी में आकर तूने पंखुड़ी से शादी कर ली और अब तेरा मन जो है लोटपोट हो रहा है? बोल। अरे बरखुरदार, शादी का मतलब भी जानता है तू? शादी का मतलब होता है 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाना, कोई भी मुसीबत आ जाए एक दूसरे के साथ रहना। तुझे तो मैं पहले दिन देखते ही पहचान गया था, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि पंखुड़ी की शादी तेरे जैसे गैर जिम्मेदार और नालायक लड़के के साथ हो। अरे कहाँ जा रहा है? मेरी बात सुन। मेरी बात अगर कोई बीच में छोड़ के जाता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। और कोई मेरे और मेरे लाइफ के बीच में बोले ना, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। ओए, यही कहने आई हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया है ना? वाओ, आप तो आजकल माइंड रीडिंग भी करने लगी। हाँ, यही कहने आई थी मैं आपसे कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। What do you mean? आपको कभी पंखुड़ी पसंद ही नहीं थी ना? और जब आदि ने उसी पंखुड़ी के साथ आपको बिना बताए शादी कर ली तो आपको तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, एक्सेप्ट नहीं कर पाई आप उस बात को, और अब आप चाहती हैं कि उनका रिश्ता टूट जाए। इसीलिए आपने उन दोनों के सामने ये 15 दिन का चैलेंज रखा है। लेकिन दी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से ये बात पूछिए कि आपने ये 15 दिन का जो चैलेंज रखा है उनके सामने इसलिए रखा है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, या इसीलिए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी ईगो छिपी हुई है? देखो प्रीति, तुम रिलैक्स दी, मैं यहां आपसे झगड़ा करने नहीं आई हूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। आदि और पंखुड़ी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं क्या बोलूं? लेकिन आपसे ये सवाल पूछना जरूरी था क्योंकि ये आदि और पंखुड़ी की जिंदगी का सवाल है। बस जिस इंसान ने कभी शादी ना की हो, जो खुद इस जिम्मेदारी से दूर भागता रहा हो, उसे इन मामलों में अपनी राय नहीं देनी चाहिए। सही कहा आपने दी, याद दिलाने के लिए थैंक्स। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की चिंता है, सिर्फ अपनी बच्ची की। वो
आदि की माँ का स्वभाव तो तुमने देखी, यानी उन्होंने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा दी कि तुमने भी उनकी वाहियात शर्त मान ली। भैया अभी इस बारे में और बात नहीं करनी है मुझे। पता नहीं जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, धज्जियां उड़ा के रख दी उन लोगों ने हमारी, समझी तो हमें मानते नहीं है। कम से कम पंखुड़ी के परिवार वाले होने के नाते तो थोड़ी सी इज्जत दे सकते थे। मैं सिर्फ अपनी बच्ची का चेहरा देख रहा था। मैं जानता था कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा होगा, कि उसी के सामने उसके माँ बाप की बेइज्जती की गई और वो बेचारी कुछ नहीं बोल पाई। भाई साहब अब जाने दीजिए ना, भूल जाइए सब कुछ। देखिए हम सबको मिलकर के अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक बाबूजी यहां से डिस्चार्ज नहीं हो जाते उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आइए 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 आइए। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं गुप्ता जी? जी अच्छे हैं, ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया है लेकिन अभी उन्हें 2-3 दिन और हॉस्पिटल में रखने वाले हैं। भाई साहब और सुषमा बाऊजी के पास अस्पताल में ही रुके हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, शंकी इनको अपने अपने कमरे बता दीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए फिर बाद में ढेर सारे गप्पे मारेंगे। आइए आइए प्लीज आइए, गेस्ट रूम में चल रहे हैं, आइए कम आइए। मुझे तो अपना सामान लेने पापा के घर जाना होगा ना, तो रात को वहीं रुक जाऊंगी। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं पहले आपकी पैकिंग कर लेते हैं, आपको भी तो कल जाना है ना। तुझे मेरी पैकिंग करने की क्या जरूरत है, मैं खुद कर लूंगा। कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। आपको क्या क्या लेकर जाना है कबर्ड से निकाल दीजिए। हाँ वो वहां मैं लेके आता हूँ। रहने दीजिए मैं करती हूँ। नहीं मैं उठाता हूँ। मैं कर रही हूँ ना। I'll do. मेरा सब कुछ तुम्हारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा ये हंसी दर्द ही दो दिनों का सहारा। क्या बात है आप बहुत चुप चुप हैं। यार तेरे होम डैड को इतना कुछ सुनना पड़ा आज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि किसी की कोई गलती नहीं थी। अवंतिका आंटी के पास भी नाराज होने का जायज रीजन था। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि मेरे इस फैसले की वजह से सबको इतना सुनना पड़ा। ये सिर्फ तेरा फैसला नहीं था, ओके? हम दोनों का फैसला था। तू अपने आप को जिम्मेदार मत ठहरा प्लीज, ओके? आप किसी और बात से भी परेशान है ना? नहीं तो और क्या बात हो सकती है? अच्छा वो आपकी शेविंग किट परफ्यूम वो सब भी रखना होगा ना, कहाँ पड़ा है?
क्या कर रही है तुम? ये फोटो मैं रखूंगी अपने पास। नो चांस। ओके, ये तेरी मेरी साथ बिताई हुई ना सबसे स्पेशल मोमेंट की यादगार तस्वीर है, ये मैं तुझे नहीं दूंगा। ओके, ये मैं रखूंगा। क्या हुआ आदि? अब हमें अपना वादा पूरा करना होगा जो हमने सबके सामने किया कि एक दूसरे से दूर रहेंगे। ओके। बहुत कंफ्यूज लग रहे हो बरखुरदार। नानू कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है? मतलब अपने से पहले सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना। पंखुरी की बात कर रहे हो ना? एक वही तो है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसका। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मैं उसके जितना सेल्फलेस नहीं हो सकता। वो मेरे लिए इतना कुछ करती है लेकिन मैं उसके लिए नानु, आप कभी कोई ऐसे इंसान से मिले हो जो इतना सेल्फलेस है? मिली थी ना। कौन? तुम्हारी नानी। रियली? हाँ बेटा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से ज्यादा तुम्हारे लिए जीते हैं। अपनी खुशियों से पहले तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचते हैं। ऐसे किसी इंसान का साथ अगर तुम्हें मिल जाए तो समझ लो कि तुम्हारा आधा जीवन सफल हो गया। उसकी एक झलक तुम्हारे दिन भर की थकान को मिटा दे। उसके मुंह से निकले हुए दो शब्द तुम्हारे हर पल को सुहाना कर दे। जब तुम्हें अपने से ज्यादा उस पर विश्वास होने लगे तो इस रिश्ते को तुम्हारी भाषा में दोस्ती कहते होंगे, पर हमारी भाषा में उसे प्यार कहते हैं बेटा। जब दोनों के बीच की खामोशियां भी बातें करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बात कुछ और है। फिर सिर्फ उसे समझने की और उससे भी ज्यादा उस प्यार को एक्सेप्ट करने की देर है बस। लो आ गई तुम्हारी पंखुड़ी। जाओ इसे अपने डैड के घर छोड़ा। गुड नाइट नाना जी। गुड नाइट। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली, नए नए सपनों की हमें नई राह मिली। एक अरमा हमारा प्यार का दर्द है। चले मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा मीठा चले प्यारा प्यारा ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा। जब दोनों के बीच की खामोशियां भी बातें करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बात कुछ और।
ऊपर आ रहे हैं आप? हाँ? अभी नहीं, अब अभी नहीं। तो मैं जाऊं? क्या? ओके ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी और भी हो प्यारे जावा। सुन गया तू? आरज़ू है ये हमारी, ये मिलन हो दोबारा। प्यार का दर्द है क्या तू? मीठा मीठा खुश है इस फैसले से? खुश? आप खुश हैं? मेरा मतलब है कि आप कैसे समझा तुझे कि मतलब तू इतने दिन मुझसे बात किए बगैर बिना मिले तू रह लेगी? आप रह लेंगे? रहना तो पड़ेगा ना, प्रॉमिस किया है तो पूरा करना पड़ेगा। हाँ, वादा करके नहीं निभाएंगे तो गलत होगा। तो मैं चलता हूँ। हाँ, कल से तो। हाँ वो भी है। ठीक है, अब जो भी है। तो तू जा रही है? तू जाके सो जा। जब भी नींद आए तब सो जाना। और गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट ऑफ कोर्स। बाय बाय। तू इडियट, सच में इडियट। तुझे उसे पूछना था, वो पूछा क्यों नहीं? लेकिन कहीं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मैं उसे अपना दोस्त मानता हूं तो वो भी मुझे अपना दोस्त मानती होगी ना? ऑफ कोर्स, वो थोड़ी कुछ और सोचेगी। कहीं वो कुछ और अगर सोच रही है तो। आदि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।